हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 2021-22 का सैंपल पेपर, साइंस क्लास 10th का, जिसके लिए आप बड़े बेकरार और काफी दिनों से कर रहे थे आप इंतजार। अब आपके सामने सैंपल पेपर साइंस का बिल्कुल है तैयार, जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर 2021 और 22 साइंस का किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और किस बेस पर होंगे। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और सारे क्वेश्चन, पूरा सैंपल पेपर अब आपके सामने हम सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ मिलकर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि बिना हेल्प के आपके हमारा कुछ करना बड़ा मुश्किल रहता है। हमारा उत्साह बढ़ाने वाले आप हैं, हमारे लिए नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन करने वाले आप हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2021 और 22 साइंस का सैंपल पेपर क्लास 10th का। और इसके अलावा आपके लिए नई वीडियो आती जाएंगी सैंपल पेपर क्लास 10th मैथ्स की, क्लास 12th मैथ्स की। अब आपका जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। साइंस में टोटल क्वेश्चन 40 होंगे, जिसमें क्या होंगे? एमसीक्यू। 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मीन्स 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू होंगे। और आपके 5 क्वेश्चन क्या होंगे? केस स्टडी के। 5 क्वेश्चन केस स्टडी के, 31 से लेके 35 तक, 31 से लेके 35 तक। और 5 क्वेश्चन आपके एसर्शन और रीजन बेस पर क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40 हो गए। क्वेश्चन 1 to 30 आर बेस्ड ऑन एमसीबी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन एक सही। 31 से 35 तक बेस्ड ऑन एसर्शन रीजन, और आपके 36 से 40 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाका। पहला क्वेश्चन 2021-22 साइंस का, ये आया पहला क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट। स्टेट मींस कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट किस स्टेट में अपीयर होता है, एग्जिस्ट होता है। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस है विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन एट द रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें ये बताना है कि करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताना है। हमें पता है कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो अगर हम इसकी स्टेट देखेंगे, हाइड्रोजन हमारा गैस की स्टेट में होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस की स्टेट में होता है और वाटर हमारा लिक्विड की स्टेट में होता है, मीन गैस गैस लिक्विड। तो ये हमारी स्टेट है, तो जिसमें ये होगा आप देखेंगे 2H2 गैस फॉर्म, O2 गैस, H2O लिक्विड। तो हमें ऑप्शन क्या हो गया? ए। इसका आंसर क्या है? ए आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन समरी द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। चलिए शाबाश, फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको ट्राई करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? 6CO2 + 12H2O दैट गिव प्लस क्लोरोफिल सनलाइट, मीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो आपका C6H12O6 ग्लूकोज देता है, 6O2 + 6H2O। ये आपके सामने 4 इक्वेशन है। तो
तो कौन सी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के है, सोच के फटाफट बोलिए। चलिए टाइम ओवर हो गया, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से 6CO2 और वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, फूड बनता है, मींस ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में 6CO2 ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लस में 6H2O। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है और एंड प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन है, और ये जो 6H2 है ये ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसमें, जो ये आंसर बताएगा 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड, एलिमेंट और कंपाउंड विच अंडरगो रिडक्शन, मीन्स कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड का रिडक्शन होता है ये हमें बताना है। एलिमेंट मीन्स प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जरा फटाफट बताइए 30 सेकेंड, नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। इससे आपको क्या मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए स्टार्ट नाउ। तो विच एलिमेंट और कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन, रिडक्शन कौन सा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CuO कॉपर ऑक्साइड CuO को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर कॉपर ऑक्साइड तो हमारा क्या मिलेगा, Cu प्लस H2O। तो हमने ये देखा CuO से क्या बन गया, Cu बन गया, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस। तो रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड हमारा किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, हमारा ये ऑप्शन है बी। अब जिसका ठीक है चेक कर लीजिए, फिर करेक्ट कर दीजिए, अपने मार्क्स काउंट करते रहिए जिससे आपकी रिविजन साथ साथ अच्छी तरह से होती रहे। अब हम करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ट्राई करिए, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, एंड 30 सेकेंड स्टार्ट फॉर यू। चलिए टाइम आपके दिया जाता है 30 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जिसे हम क्या लिखते हैं, एम से, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या वी अपॉन में यू, और किसके लिए, मिरर के लिए आगे क्या होता है, माइनस। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होता है। रेशियो ये क्या होता है, एक रेशियो, रेशियो होने की वजह से क्या होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हमने देखा है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब HI = HO और HI = HO means हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब M क्या हो जाएगा हमारा, HI की जगह HO अपॉन में HO, और ये दोनों कट हो गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी 9 0 9, C 2 9, D 1। हमारा राइट आंसर क्या है, 1 है, तो राइट आंसर इज 1। समझ आया, आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, इसमें कौन सा सही है, योर टाइम स्टार्ट नाउ 30 सेकेंड। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे और उस 30 सेकेंड में आपने ट्राई करना है, क्योंकि आपके पास बोर्ड में 40 क्वेश्चन 90 मिनट में करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट 20 सेकंड में करने को मिलेगा, और यहां पर जितनी ज्यादा आप स्पीड से करोगे तब जाके आपको स्पीड बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर सबने देखा होगा आपने हेटरोट्रोप, तो हमारे पास दो होते हैं, एक ऑटोट्रोप और एक हेटरोट्रोप,
और एक हेटरोट्रोप, इन दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉप क्या है? वो ग्रीन प्लांट एंड सम ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस दे प्रिपेयर दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। लेकिन हेटरोट्रॉप बेचारे क्या है, वो अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, वो बेचारे किस पर, किसी दूसरे के ऊपर भरोसे पर रहते हैं। किसके भरोसे पर? प्लांट के भरोसे पर। इसका मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जब बना नहीं सकते तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? हेटरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, बेचारे अपना भोजन नहीं बना सकते, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ए इज राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ योर टाइम स्टार्ट। चलिए देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। वेयर विल बी द इमेज, यहाँ पर इमेज बी फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, फोकस पर, किसमें, कनकेव मिरर में, तो कहाँ इमेज बनेगी, देखते हैं कहाँ इमेज बनती है। एक्चुअल में इमेज, व्हाट इज इमेज, इमेज इज द पॉइंट वेयर टू रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग। इमेज कब बनती है, जब दो रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद। एट फोकस, फोकस क्या है, फोकस इज द पॉइंट ऑफ ए मिरर ऑफ ए लेंस वेयर ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस में मिलती है उसे हम बोलते हैं फोकस। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है, जो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, ये हमारा कनकेव मिरर है जो कन्वर्ज करता है सारी रे ऑफ लाइट को। रेज पार्ट हमारा पॉलिश्ड होता है और इनवर्ट पार्ट हमारा शाइनी होता है, इसको गुफा वाला पार्ट कहते हैं और ये पहाड़ी वाला भाग। तो हमारा क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा, हमारा पोल, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एफ फोकस, और ये क्या कहलाएगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, देखिए फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो किससे पास होती है, फोकस से ही पास होती है, तो फोकस से पास कर दिया, इट पास थ्रू द फोकस। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो किससे पास होगी, हो फोकस से पास होगी, किससे पास होगी, हो फोकस, इट पास थ्रू द फोकस। तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी रे या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पोल से, चलिए हम पोल से पास करते हैं। अगर कोई रे पोल से पास होती है तो जितना एंगल ये इसके साथ बनाता है, इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाए उतने एंगल पर क्या होगा, ये बाउंसिंग बैक होगा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, एंगल आई और ये एंगल आर, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों रेज क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो कहां बनेगी इमेज, पता नहीं, पता नहीं मतलब एट इंफिनिटी पर। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, सिक्स। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है। चलिए एक पढ़िए, शाबाश, वेरी गुड। 30 सेकेंड विल बी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। वैसे तो बोर्ड पे आपको 2 मिनट 30 सेकेंड मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट, लाइट कट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, कितने कंपोनेंट कलर होते हैं, सात, सात कलर में टूटती है, उन सात कलर का नाम क्या है, वी आई बी जी वाई ओ आर, विप प्योर, और स्प्लिटिंग कौन सी, व्हाइट लाइट, इसका मतलब व्हाइट लाइट जो है सात कलर से बनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इंटू इट्स कलर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, नहीं, स्पेक्ट्रम तो सेवन बैंड ऑफ कलर को बोलते हैं, डिस्पर्जन, राइट इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट कलर, सेवन कंपोनेंट कलर में एक व्हाइट लाइट जब टूटती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। स्पेक्ट्रम नहीं, स्पेक्ट्रम क्या है, सेवन बैंड ऑफ कलर, सात बैंड ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, डिस्पर्जन इज द राइट आंसर।
डिस्पर्जन इज द राइट आंसर। चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द, चलिए टाइम इज फॉर यू टू सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। हमें पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफ होते क्या है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म या ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, तो ऑटोट्रॉफ दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो देखते हैं इसका आंसर, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन, ओहो इन एब्सेंस ऑफ लाइट आ गया। तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट तो खाना बनाते ही नहीं हो, तो जब खाना नहीं बनाते तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो ऑटोट्रॉफ के लिए कौन सा, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, करिए अगला क्वेश्चन फास्ट। चलिए रेड लाइट, क्योंकि एक व्हाइट लाइट जब टूटती है तो उसमें 7 बैंड ऑफ कलर मिलते हैं, कौन से, वी आई बी जी वाई ओ आर। आर मीन्स रेड, वी मीन्स वायलेट, आई मीन इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन ग्रीन, वाई मीन येलो, ओ मीन ऑरेंज, आर मीन रेड। रेड लाइट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की अलग अलग डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब रेड लाइट लीस्ट इफेक्टेड बाय एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, नो, डार्क कलर, नो, शॉर्ट वेवलेंथ, नो। तो कौन सी है, ओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है, रेड कलर की है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट कलर की। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा होती है, और ये डेविएट क्या होता है, कम डेविएट होता है, लीस्ट डेविएट, ये क्या होता है, लीस्ट डेविएट होता है, कम से कम बेंड होती है, लेकिन ये रेड कलर पे एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, मोर स्पीड एंड लीस्ट डेविएशन, ये इसके रेड लाइट जो प्योर में जो रेड कलर है, ये इसके करेक्टरिस्टिक काउंट होंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पेपर में आएंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और आपकी रिवीजन कंटिन्यूसली सैंपल पेपर से, कुछ एमसीक्यू से आपके सामने आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट मींस CuSO4, जिसे जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन, इसमें क्या डाल दिया, आयरन मीन Fe डाल दिया। व्हेन Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जब आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, Fe प्लस CuSO4, तो ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो FeSO4 प्लस में Cu, तो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से इसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। क्या हो गया, फेड हो गया। तो आंसर इज ए, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आंसर इज ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब मूव करते हैं, नेम द, चलिए 30 सेकेंड फॉर यू, देखिए आपको चांस पूरा दिया जा रहा है सॉल्व करने का, ताकि आप जज कर सको कि आपका आंसर कौन सा ठीक है
और कौन सा सही है? चलिए, नेम द टिश्यू इन द लीफ वेयर द प्लास्टिड प्लास्टिड कलर्ड पार्ट ऑफ द किसका प्लांट का, और उसे हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिड बोलते हैं। वैसे तो दो पार्ट होते हैं इसके, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो लीव्स में प्रेजेंट है वो कौन से टिश्यू में? जनरली ये क्या है, प्लास्टिड डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू उसमें एक टिश्यू और से प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? मेसोफिल। दिस मेसोफिल इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है कहां पर? मेसोफिल में, जो हेल्प करता है जहां ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जहां डॉट ग्रीन डॉट प्रेजेंट होते हैं, वो आंसर क्या है इसका? मेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करिए फटाफट, योर टाइम स्टार्ट नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम इम्पार्ट, ओहो मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या होता है? बर्न विद मैग्नीशियम, वाइट रिबन है जब जलती है, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनाता है? MgO। इसका मतलब ये मैग्नीशियम बर्न हुआ किसमें? विद द वाइट डेजलिंग फ्लेम। किसमें जलता है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, मीन व्हाइट डेजलिंग फ्लेम कौन सा? एक कलर है, डेजलिंग व्हाइट कलर फ्लेम। जैसे दिवाली के दिन या फुलझड़ी देखी होगी आपने, जैसे मसाला जलता है वैसे एकदम चिंगारी सी निकलती है, वैसे टाइप से जलता है। कौन? मैग्नीशियम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जो आपका पहला पॉइंट एनसीईआरटी का एक्टिविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 गिवन फॉर यू, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए आप। कोई लाइफ लाइन नहीं है आपके पास, कोई लाइफ लाइन नहीं, कोई फोन ए फ्रेंड नहीं, कोई लाइफ लाइन नहीं बची, अब आप खुद देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ एफ, एफ मीन फोकस, यू मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस ये हमारे पास क्या है? कनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? F1। ये क्या है? 2F1। यहाँ पर F2। तो इसमें पूछा है F कहाँ है हमारा? लेफ्ट साइड। F इज ऑन लेफ्ट साइड, F इज ऑन लेफ्ट साइड और F इज लेफ्ट साइड। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रख जाता है? U मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं? एट लेफ्ट साइड। कहाँ पर रहते हैं? लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब U भी लेफ्ट साइड, F भी लेफ्ट साइड, दोनों कहाँ हैं? F फोकस ऑन लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होती है। क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारे? ऑब्जेक्ट और ये रखे जाते हैं, तो क्या होगा? नेगेटिव। तो F और फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट और कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। तो आंसर इज A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट। अ स्टूडेंट परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट, एक बच्चे ने किसका स्टार्च टेस्ट किया? किसके लीफ में जो स्टार्च है उसका टेस्ट किया कि स्टार्च है या नहीं है। सम स्टेप आर इन्वॉल्व इन सोन बिलो, कुछ स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, तो आपने बताना है इसकी करेक्ट सीक्वेंस, द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लीफ को बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग वाटर में बॉयल करेंगे, बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद लीफ को कहाँ रखेंगे? इथेनॉल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? इथेनॉल विच इज लोकेटेड इन द वाटर, बॉयल वाटर में। फिर उसके बाद उस लीफ को निकालने के बाद उसमें क्या रखेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डिप करेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद नहीं, पहले उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन लास्ट में, क्योंकि हमने स्टार्च टेस्ट करना है। तो उसके बाद करेंगे हम
उसको क्या करेंगे, लीफ को वाटर में रख देंगे एट रूम टेम्परेचर में, मीन्स इसको वाटर में रखकर रूम टेम्परेचर में इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में करेंगे उसको आयोडीन उसमें डालेंगे, अगर ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन कलर आ गया तो इट मीन इसमें स्टार्च है, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, फिर लीफ को इथेनॉल विच इज इन बॉइलिंग वाटर में, फिर उसके बाद आपको रूम टेम्परेचर में पानी में रखेंगे, और फिर लास्ट में उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि स्टार्च है या नहीं है, अगर ब्लू ब्लैक आता है तो इट मीन इट कंटेन स्टार्च। तो सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन इज ए, द राइट आंसर इज ए। तो राइट आंसर हमारा क्या है इसका, ए इज द राइट आंसर, ये हमारा 14। नाउ मूव टू 15, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फटाफट देखते हैं आप कितनी जल्दी करते हो। ये आपने एक्टिविटी की होगी ग्लास स्लैब में या प्रिज्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल पोजिशनिंग द पिन, हम क्या रखते हैं, जब पिन रखते हैं किसी की रिफ्रैक्शन इमेज या रिफ्रैक्शन जैसे लेंस में, वो ग्लास स्लैब में या प्रिज्म में चेक करते हैं, तो पिन को हम अरेंज करते हैं। इट इज अरेंज सच दैट द फुट आर इन परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो थोड़ा बहुत क्या होता है, इंक्लाइन हो जाता है। हेड आर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हेड में स्ट्रेट लाइन नहीं चेक करते। मिड पॉइंट आर द स्ट्रेट लाइन, नहीं चेक करते। फुट आर इन स्ट्रेट लाइन, उसके जो फुट है ऑल पिन का जो फुट है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे ऑल पिन लगाए हमने और ये जो फुट है ये दिस शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, ये किसमें होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम पहले पॉइंट लेते हैं और इसके ऊपर क्या लगाते हैं ऑल पिन, दैट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। टॉप हम स्ट्रेट लाइन चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमारी जो प्रैक्टिकल है जो एक्टिविटी है वो गलत रिजल्ट दिखाएगी। तो उसके फुट क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आंसर इज डी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपके सामने आ गया। करिए जल्दी फटाफट, ये तो आपका सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपके एनसीईआरटी के हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर आपने देख लिया होगा, कौन सा कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा कौन सा आपका आंसर सही है। व्हाट विल ऑब्जर्व व्हाइट प्रेसिपिटेशन, सब व्हाइट प्रेसिपिटेशन मींस व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में व्हाइट सब्सटेंस बनता है देखते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस मिक्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें तो बनेगा ही नहीं, सॉल्ट एसिड नहीं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें भी BaCl NaCl वही बनेगा, तो नो कुछ नहीं बन रहा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिक्स विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 दैट गिव्स, इसमें देखते हैं रिएक्शन, तो बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस सोडियम सल्फेट माइनस, तो बेरियम रिएक्ट विद सल्फेट मीन्स BaSO4 प्लस Na किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो 2NaCl। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस जिसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, ये मैंने आपको आपके फायदे के लिए बताया है। लेकिन इसमें व्हाइट सब्सटेंस कौन सा बन गया, BaSO4, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेशन पीपीटी। तो BaSO4 इज अ व्हाइट इनसोल्युबल सब्सटेंस, कब, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो कौन सा आंसर है इसका, इसका हमारा आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ओहो फिर मिरर आ गया, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, अभी आपने किया था, फिर देखो आपके सामने कितना आसान क्वेश्चन, शाबाश डू इट फास्ट। ये सारे आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन ईच एंड एवरी पॉइंट।
चलिए मूव करते हैं, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए कनकेव मिरर गिव रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, सेम साइज ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, हमने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। तो दूसरा किससे, फोकस से पास होगा या पोल से पास होगा। अगर फोकस से पास होता है, कोई रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर इमेज बनी हमारी, ये इमेज दिस इज आई और दिस इज ओ, ऑब्जेक्ट सी पर इमेज भी सी पर, तो इसका मतलब दोनों का साइज सेम, दोनों का मिरर से डिस्टेंस भी सेम। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सी पर रखा जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, नो, एट एफ, नो, एट सी, यस, आंसर इज सी आंसर है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेटरल, चलिए आपके सामने क्वेश्चन, बार बार ध्यान नहीं रहता, एंड 30 सेकंड इज फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंसिडेंट रे पासिंग आउट थ्रू ए ग्रास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसका ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो फिनोमिना है वो किसमें होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। आपने करा भी होगा लाइट चैप्टर में, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और रेयर एयर से किसमें जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, किसमें जा रहा है, ग्लास मीडियम में। फिर क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा आई, फिर यहां से ये नॉर्मल, ये दोनों एंगल सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आर सेम, तो यहां से क्या होगी, एमर्जेंट निकलेगी, ये मेरी कौन सी है, एमर्जेंट रे, और ये क्या होगा, एमर्जेंट एंगल होगा। ग्लास स्लैब में एमर्जेंट रे हमेशा क्या होती है, इस इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, कब, जब अगर इनसे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा। इसका मतलब यहां से इंसिडेंट रे प्रोड्यूस करने के बाद और एमर्जेंट रे जो बनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, जिसके हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। लेकिन जैसे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, थिकनेस, इसका मतलब अगर इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा है, अगर इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स थिकनेस और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मोर थिकनेस मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेस थिकनेस लेस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मीन डायरेक्टली प्रपोर्शनल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द थिकनेस। अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो इसका मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो थिकनेस भी ज्यादा, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम तो थिकनेस भी क्या होगी, कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, आप समझ रहे होंगे ये अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर रहा है, नहीं, चलिए स्टार्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द रेडिश अपीयर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में जो सन का जो कलर है वो लाल रंग का होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि सनराइज और सनसेट में सारे के सारी जो लाइट के जो कलर है वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसका मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं कलर क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं।
ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, लेकिन रेड कलर जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है वो स्कैटर नहीं हो पाता और वो रेड कलर डायरेक्टली ऑब्जर्वर की आई में पहुंचता है। जैसे ही ऑब्जर्वर की आई में पहुंचेगा तो कैसा दिखन दिखाई देगा, पूरा लाल दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो, डिस्पर्जन तो क्या हो गया, लाइट का टूटना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नो, तो क्या होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर्ड होना, फैल जाना बाय द स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर या कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, जिसकी वजह से स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन रेड कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए वो स्कैटर्ड नहीं होता, एनर्जी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या है, डी। अब मूव करते हैं 20 क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट। नाउ स्टार्ट, ब्रीथिंग रूट ऑफ, ब्रीथिंग रूट्स आर, ब्रीथिंग रूट स्टोमेटा नो, राइजो राइजोइड नो, लेंटिसेल नहीं, स्टेम भी सारे एमिटेड। तो क्या होगा इसका मतलब, यह है न्यूमेटोफोर्स, दिस इज द डी आंसर, न्यूमेटोफोर्स, क्योंकि स्टोमेटा राइजोइड लेंटिसेल, ये स्टोमेटा स्मॉल पोर्स, राइजो राइजोइड जो आपके छोटे छोटे पोर्स लगते होते हैं, लेंटिसेल जो स्टेम में होता है, रूट में होता है, जो जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, न्यूमेटोफोर्स। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके सामने, स्टार्ट करिए। चलिए, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट ए जिसने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो एक कंपाउंड दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ए अभी देखते हैं, ए और ये ओ दे दिया, और लेकिन कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, तो इसका मतलब सोल्यूबल इन वाटर कौन होगा, या तो सोडियम होगा या पोटेशियम, या पोटेशियम या कैल्शियम, या क्या होगा कैल्शियम, तो सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, कैल्शियम का ज्यादा है, तो क्या होगा इसमें कैल्शियम, कैसे CA को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनाया CaO बन गया। अब फिर इसके बाद इस CaO को CaO क्विक लाइम के साथ वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो पानी में घुल गया, तो क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है पानी में डिजोल्व हो गया, तो कौन सा एलिमेंट है, आयरन नो कैल्शियम, राइट आंसर इज कैल्शियम। अब आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आएगा, 22, हाँ वेरी गुड, 22 क्वेश्चन देखिए, चलिए स्टार्ट करिए। नाउ स्टार्ट, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, हमने क्या निकालनी है फोकल लेंथ, किसकी, कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर आपने बनाया कन्वर्जिंग मिरर, जो शाइनी पार्ट किधर की तरफ होगा, गुफा की तरफ, अंदर की तरफ, और बाहर वाला पहाड़ी वाला हिस्सा अनशेडेड शेडेड होगा। द बैक स्टूडेंट ने क्या करा, फोकल लेंथ निकालनी है किसकी, कनकेव मिरर की, और स्टूडेंट फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग द कनकेव मिरर, द बेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी, तो इसका मतलब अगर फोकस निकालना है तो हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, काफी दूर रखना पड़ेगा, कहाँ रखने का काफी दूर मींस इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेगा तो उसकी फोकल लेंथ हमारी इजीली और करेक्ट एक्यूरेट करेक्ट हो सकती है, मींस बिल्कुल सही निकल सकती है, कौन सा डिस्टेंस ट्री, तो ट्री की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होगी, नहीं, ऑल ऑफ दिस मींस क्लासरूम विंडो नहीं, तो सन, कौन सा आंसर सन, सन क्या होगा काफी दूर रहेगा क्योंकि उससे रेज निकलेगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां पर है इन्फिनिटी पे, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन काफी दूर है, जितनी ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उतना क्या होगा रेज, उतना क्या होंगी फोकस करेंगी, तो क्या होंगी पैरेलल रेज आएंगी और कहां पर मिलेंगी फोकस पर, तो इजिली हम क्या निकाल सकते हैं फोकस निकाल सकते हैं, तो कहां होगा जितना ज्यादा दूर होगा हम इजिली एक्यूरेट फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर निकाल सकते हैं, तो आंसर इज सन। क्वेश्चन नंबर 23,
ये तो सीधा आसान है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट आपका टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप एन एपिडर्मल, एपिडर्मल मीन आउटर लेयर, पील ऑफ द लीव शो। तो स्टोमेटा आपने देखा होगा, स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा, जो क्या है, टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये स्टोमेटा टीनी पोर्स, और ये क्या है इसमें न्यूक्लियस, और सामने क्या है छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट, और इसके ऊपर क्या है, ये हमारा क्या है एपिडर्मल, क्या है ये एपिडर्मल। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, और ये क्या है गार्ड सेल, ये क्या है गार्ड सेल, और ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा सराउंडेड बाय सर्वल गार्ड सेल, बहुत सारे गार्ड सेल तो होते नहीं है, दो ही गार्ड सेल है, देखते कहाँ लिखा है दो गार्ड सेल। स्टोमेटा सराउंडेड बाय सर्वल एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा क्योंकि एपिडर्मल सेल तो गार्ड सेल को कवर कर रहे हैं, तो ये भी सही है। स्टोमेटा सराउंडेड बाय पेयर, हाँ पेयर ऑफ गार्ड सेल, मीन गार्ड सेल कितने, केवल दो, दो गार्ड सेल से स्टोमेटा क्या है कवर है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इंसिडेंट 90 एंगल है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 है तो रिफ्रैक्शन एंगल होगा ही नहीं जीरो, बट यहाँ जीरो ऑप्शन नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स आपके पास क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास आर निकालना है, तो आर क्या होगा हमारे पास सी होगा, क्या होगा ये सी। तो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करके सी, क्योंकि जीरो नहीं है, 45 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर इज सी, इस फॉर्मूले से हमारा ये निकल जाएगा। अब हम करते हैं विच क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है, जेजनियम, रेक्टम, हाँ रेक्टम, इसका आंसर क्या है रेक्टम। अगर इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, साइन 90 आई, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अगर साइन 90 कितना होता है, ये आ गया, और ये क्या आ गया साइन आर इज इक्वल टू, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर इसने एन लिखा है, क्या लिखा है इसने एन लिखा है, जरा देखिए ये एन, और इसकी वैल्यू क्या है वन होती है, तो वन अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एन इंटू साइन आर इज इक्वल टू वन आ गया, तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो साइन आर इज इक्वल टू वन अपॉन में एन, तो आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाई एन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर इज सेम साइन इनवर्स वन बाई एन, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, जीरो अब मैं इसमें है नहीं। तो मूव टू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, बड़े आसान क्वेश्चन है दोनों, अब आपको आते हैं, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। देखो आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने से, और ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी, एक दो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी क्लियर बस, और वो आप ऐसा मत समझना कि वो आएंगे, लेकिन आपका पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, शाबाश, वेरी गुड स्टूडेंट, ये मेरी गारंटी है, अगर आप जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उन्हीं के रिवीजन करते रहोगे, तो आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपने रेगुलर उसको देखते रहना है, रेगुलर वॉच करना है कि आपको कौन कौन सी वीडियो मिलती जा रही है, साइंस और मैथ के सैंपल पेपर एमसीक्यू जो भी पैटर्न है सारे आपके सामने कराता चलूंगा मैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, जनरली नॉन मेटल, नॉन मेटल की नेचर क्या होती है, एसिडिक की नेचर,
नॉन मेटल क्या है? लस्टीरियस, वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो साइन नहीं प्रोड्यूस करता आफ्टर रबिंग। तो नॉन मेटल क्या है? डू नॉट लस्टीरियस, चमकते नहीं है रब करने के बाद। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टीरियस, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल तो लस्टीरियस होते हैं लेकिन नॉन मेटल नॉन लस्टीरियस होते हैं, लेकिन ऐसा एक नॉन मेटल है जो चमकता है, वो कौन सा है? आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। और एक आयोडीन है इसमें, कौन सा आंसर इज आयोडीन। आयोडीन हमारा वो नॉन मेटल है विच इज लस्टीरियस, सबसे ज्यादा लस्टीरियस हमारा कौन सा नॉन मेटल? आयोडीन, और बाकी कोई लस्टीरियस नहीं है, चमकते ही नहीं है बेचारे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, ये तो ऑप्टिकल फाइबर पढ़े बेटे, आजकल ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा यूज हो रहा है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है? चलिए, ऑप्टिकल फाइबर हमारा मायो मेडिकल में भी यूज होता है, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, और मेडिकल अप्लायंसेज में भी यूज होता है। मीन्स ये किस में यूज होता है? सब में यूज होता है, ऑल ऑफ अबव। ये हमारा था आयोडीन और ये हमारा ऑल ऑफ अबव। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने, सॉरी 28। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, आप बड़े आराम से बता दोगे, इतनी देर में तो बता भी देते हैं आप। चलिए, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मीन्स क्वाइट अनरिएक्टिव, जो क्या है? लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। जो बेचारे कहाँ पाए जाते हैं? अकेले पाए जाते हैं, जो किसी के साथ नहीं जुड़ते। कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कुछ मेटल कम रिएक्टिव है, और कुछ बेचारे रिएक्टिव है ही नहीं। जो रिएक्टिव नहीं है उन्हें वो किस फॉर्म में? अकेले पाए जाते हैं, अकेले मीन्स फ्री स्टेट में। तो कौन सा है? सोडियम तो सबसे ज्यादा तेज है, ये तो बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है, हवा के कॉन्टेक्ट में आता है तब भी ये आग की तरह लाल हो जाता है, तो ये तो बेचारा है नहीं। लिथियम भी कम नहीं है इससे, कॉपर भी थोड़ा बहुत गर्म मीन्स ऑक्साइड की लेयर बनाता है, अकेले किसी किसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन गोल्ड ऐसा है जो क्या होगा? फ्री स्टेट, अकेला पाया जाता है, मीन्स ये रिएक्टिव है ही नहीं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में पाया जाता है अकेला बेचारा, किसी के साथ कंबाइन होने की कोशिश नहीं करता। तो आंसर क्या है इसका? गोल्ड। और इसका वैसे सिंबल क्या है? Au। कॉपर का सिंबल Cu, लिथियम का Li, सोडियम का Na। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आगे, देखो आपके साथ साथ चलते चलते हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आगे, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 40। अब हम बिल्कुल एग्जाम के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। देखो कनकेव मिरर के तीन क्वेश्चन आ गए लाइट से, जरा दिल की धड़कन को थामिए और क्वेश्चन को पहचानिए और आंसर इसका जवाब कर जानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर? कनकेव। अरे ये तो कनकेव मिरर गुफा वाला आ गया, जो ये क्या है? पहाड़ी, पहाड़ी क्या है? सारा शेडेड, गुफा वाला चमकदार। और ये क्या था मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, जहां पर मिरर से टकराया तो क्या हो गया? पोल पी। तो ये क्या हो गया मेरा? फोकस। अरे सारे बता रहे हो आप, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। अगर कोई रे किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मीन्स सी से पास हो रही है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इफ द रे इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटे क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, मंजूर है खुदा नहीं, जो आपने पढ़ा होगा वही होगा। ये मेरा क्या है? इंसिडेंट रे, इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, और ये एंगल कौन सा है? अल्फा एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्फा। द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द सेम रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? और हमें पता है कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी एंगल से क्या हो जाती है? वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, मीन्स रिट्रेस द सेम पाथ, रिट्रेस द सेम पाथ। तो इसका मतलब वैसे इसमें आई और आर क्या होता है? आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो।
क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ही फॉल होते हैं, 90 डिग्री पर क्या होता है, इंसिडेंट रे फॉल होता है, इसीलिए, क्योंकि यहां पर क्या होता है टेंजेंट। लेकिन इसने पूछा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इंक्लाइंड एट प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या होगा, उसी रास्ते पर आएगा, तो इसका मतलब उसी रास्ते पर आएगा, तो प्रिंसिपल एंगल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, वही एंगल बनाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, ये सेम होंगे, तो एंगल क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, क्या होगा इसका, डी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पूछ रहा है, और अदरवाइज जीरो, जीरो कब है, जब आई है, लेकिन आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बनाएगा, अल्फा का, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, डी, जीरो नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके सामने, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ऑब्जर्व द एपिडर्मिस पील ऑफ ए लीफ अंडर द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप, पावर ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा शक्तिमान हो ना, उसके अंदर जो लेंस है वो क्या है, बहुत पावरफुल है, छोटी चीज को क्या कर देता है, बड़ा बड़ा कर देता है, इतनी ताकत है उस लेंस के अंदर, तो पावरफुल माइक्रोस्कोप लेंस बड़ा पावरफुल है, द फॉलोइंग आर द स्केचेज आर मेड देम, तो कौन सा स्केचेज बनाया, तो देखा होगा आपने जब एपिडर्मल आउटर मोस्ट लेयर लीफ की देखी तो क्या क्या पाया गया, देखो यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है गार्ड सेल, और ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट, ये इधर गार्ड सेल ही है, बीच में क्या है ये पीनी पोर्स, और इसके बाहर क्या है ये एपिडर्मल मींस सेल, एपिडर्मल बाहर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी फिगर आएगी, ए, इसमें तो बेचारा कुछ नहीं दिख रहा, इसमें तो नहीं है, देखो गैप है, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें एक छोटा और एक बड़ा, इसमें दोनों साइज क्या है बराबर है, तो आंसर इज बी, तो जो आंसर बी होगा वही ऑप्शन होगा, और हमारा आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, और आप 30 क्वेश्चन की मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अब आपके सामने बचे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो केस स्टडी के और एसर्शन और रीजन के हैं, जिसे हम तोड़ देंगे और सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए 31 पर जाते हैं, 31 to 35 पर पहुंचते हैं, और ये क्या है बेटे, वन गिवन फॉर क्वेश्चन 31 to 35, टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल एसर्शन, एक एसर्शन और एक लेबल रीजन, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, अगर रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है तो आंसर क्या देंगे, ए देंगे, अगर एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो जब देंगे आंसर बी, एसर्शन गलत सही है और रीजन गलत है तो आंसर देंगे सी, अगर एसर्शन गलत है रीजन गलत है तो आंसर देंगे डी, इट मीन अगर मेरे पास ए और आर दोनों करेक्ट और इसका एक्सप्लेनेशन इस रीजन का एक्सप्लेनेशन करेक्ट है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए, और अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन रीजन का सही नहीं है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी, और अगर ए सही है बी गलत है तो आंसर इज सी, अगर ए गलत है बी सही है तो आंसर इज डी, बस अब पढ़ना ध्यान से है, अगर आपने अच्छी तरह से कर रखे होंगे इसे थोड़ा सा ध्यान से करना डीपली, एक एक लाइन एनसीईआरटी की देख लेना, फिर भी आप वीडियोस में भी आराम से देख सकते हो, वीडियो में एनसीईआरटी के ही पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन सारी स्टेटमेंट सारा कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं करा रखा, अगर आप वीडियो देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, एसर्शन, चलिए बेटे पढ़िए जरा, ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, इन ए कैंडल वैक्स वेपर बर्न इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कभी भी कंबशन पूरी तरह से नहीं होता, कोई भी चीज पूरी तरह से नहीं जलती अगर ऑक्सीजन की कमी है, इट मीन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन कम जा रही है
तो बर्निंग विल नॉट टेक प्लेस, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस, मीन इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां येलो या ब्लैक लाइट, डार्क येलो फ्लेम बनती है, और ब्लू फ्लेम तब जब बनती है जब कंप्लीट कंबशन हो। और ये क्या है, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्लू फ्लेम तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, येलो फ्लेम, तब सही मानते हैं। तो इट इज रॉन्ग, व्हेन ऑक्सीजन इज सप्लाई इनसफिशियंट, अगर ऑक्सीजन क्या है सफिशियंट मात्रा में दी गई है, जब ऑक्सीजन सही है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ द गैस, गैस को फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एवरी फ्यूल विल बर्न, तो ये सपोर्ट करती है जलने में, तो अगर ऑक्सीजन सफिशियंट सप्लाई में तो फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम तभी आएगी जब ऑक्सीजन सफिशियंट होगी, और जब ऑक्सीजन सफिशियंट होगी तो बर्न फ्यूल जो है पूरी तरह से जलेगी। तो हमारा ये आंसर ठीक है, तो ए इज रॉन्ग, बी आर इज ए और ये आर, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, तो आंसर इज डी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। देखते जरा ये हमारा था, देखो ध्यान से, अच्छा ये हट गया, देखिए फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका ए assertion, रीजन दोनों सही, और एक्सप्लेनेशन राइट, तो ए आएगा, ए आर दोनों करेक्ट और एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, तो आंसर इज बी, अगर ए सही बी गलत तो आंसर इज सी, अगर ए गलत आर सही तो आंसर इज डी। तो हमारा क्या यहाँ पर, ए राइट ए रॉन्ग आर राइट, तो आंसर इज डी, तो इसका 31 का आंसर हमारा क्या आ गया, डी आंसर है, कौन सा आंसर है, डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, assertion, as the temperature of the medium, medium means जो भी हमारा एयर मीडियम है, जो भी मीडियम है, इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और डिक्रीज होता है, देखते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या होंगे, बेचारे परेशान हो जाएंगे और वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और रेयर मीडियम होगा तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल विल क्लोज टू ईच अदर, और मीडियम क्या होगा, डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब जैसे इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मेरे ख्याल से ये तो सही है, ए इज राइट। व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट किसमें, मींस वैक्यूम से स्पीड ऑफ लाइट इन, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी सही है, इसका मतलब ए इज राइट, R is also right, लेकिन इस A का और इस R से कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज बताया गया है, इसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बताई गई है, तो दिस R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, assertion का, तो A इज राइट, R इज राइट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन है बी, तो 32 का आंसर हमारा क्या हो गया, बी, और 31 का डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर आगे, ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज, हीट करते हैं, तो ब्राउन फ्यूम निकलती है, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कौन सी है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, पक्का, तो इसका मतलब ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड, हीटेड मींस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये सही है, दिस इज राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओहो ये तो वैसे ही पता लग गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यस बिल्कुल सही है, इसका मतलब ब्राउन फ्यूम तब निकलेंगी, क्योंकि रीजन बताया गया है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो कब निकलेगी, जब इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट, ये भी सही, एंड दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब हमारे पास ए भी सही है, आर भी सही है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, तो 33 का आंसर ए आ गया।
अब करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू, किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को हमने हीट किया और रिएक्ट किया किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या बनाया? NaCl सॉल्ट प्लस और क्या बनाया? CO2 और क्या रिलीज किया? H2O। अब क्या करें? इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसे? अगर देखते हैं, ये 2 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास क्या आ गया? 2। तो व्हाट इज सोडियम? 2 सोडियम, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2। तो बैलेंस इज देयर, बैलेंस हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। गैस बबल आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम सोडियम कार्बोनेट को मैं हमने HCl ऐड कर दिया तो गैस बबल निकली। हाँ निकली है, तो इसका मतलब गैस कौन सी? CO2 निकली, इसका मतलब बबल्स बने, तो ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव अप, हाँ, तो इसका मतलब जो गैस निकली है कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है? रीजन है कि जो गैस बनी वो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली उसकी वजह से क्या है? बबल्स बने, बबल्स बने तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 34 का आंसर भी क्या है? ए। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ किसका? केस स्टडी का क्वेश्चन, सॉरी एसेप्शन और रीजन का क्वेश्चन, एसेप्शन और रीजन का लास्ट क्वेश्चन। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज किडनी। यस, किडनी क्या हमारा? एक्सक्रेटरी सिस्टम है, क्योंकि किडनी हमारी क्या करती है? फिल्टर का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को निकालती है। किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजन। हाँ सही कह रहा है भाई, एक्सक्रीट करती है तो सही है। और एक्सक्रीट किसको करती है? एक्सेस वाटर को और किसको? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। जो यूरिया हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उस यूरिया को क्या करते हैं? निकालता है। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है। तो एसेप्शन ए और आर दोनों करेक्ट। आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, तो आंसर इज ए। 35 का आंसर भी क्या आ गया? ए आ गया। तो ये हमारे एसेप्शन और रीजन के क्वेश्चन 5 थे। एंड प्लीज बी अटेंटिव इन दोज क्वेश्चन। इनको ध्यान से करिए, डीपली पढ़िए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और आपको इसके एसेप्शन रीजन के क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन आपको इसमें मिलते रहेंगे, हंसा ट्यूटोरियल में। थैंक्स। अब हम करते बेटे लास्ट का 36 से 40, जो हमारा क्या है? केस स्टडी का, मींस पैराग्राफ के बेस में। चलिए पढ़ते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट का बनता है जब एसिड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और ये जो सॉल्ट एंड वाटर है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये जो सॉल्ट है, ये हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये सॉल्ट हमारा एसिडिक इन नेचर भी हो सकता है, और ये सॉल्ट हमारा बेसिक इन नेचर भी हो सकता है। और सॉल्ट एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल, ये किस पे डिपेंड करता है? एसिड के और बेस के नेचर के ऊपर। तो देखते हैं, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यह दे रखा है इसमें तो पहले से, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस, और मेरे पास क्या बना? सॉल्ट बन गया, और क्या बना? वाटर बन गया। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेरे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग, और क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस भी स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग। और हमने पढ़ा है जब दोनों ताकतवर हो तो सॉल्ट क्या बनता है बेचारा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसका पीएच 7, पीएच बेचारा 7 हो गया। भाई दोनों तगड़े हैं तो क्या होगा? लड़ाई तो जीतेगा नहीं कोई, बराबर ही रहेंगे, क्योंकि दो शेर लड़ेंगे तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसका पीएच क्या है 7। NaCl इज द कॉमन सॉल्ट विच इज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जो NaCl है कॉमन सॉल्ट, तो मेरा जो NaCl बना किससे बना? HCl और NaOH से, मीन्स NaOH, ये मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब मेरा जो नमक बना वो क्या बना?
न्यूट्रल बन गया, इसलिए तो मैं खाता हूं क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारा क्या हो गया HAL सॉल्ट एंड वाटर, तो प्लस में वाटर, तो बना क्या देखो Na Cl के साथ आ गया और H और OH क्या बन गया H2O, और इसकी नेचर क्या है न्यूट्रल है। दिस इज सॉल्ट यूज फॉर फूड के लिए, सम सॉल्ट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, बेड ऑफ रॉक सॉल्ट आर ओबिटेज वर फॉर्म सी एंड बायोजेनेस इज ए डाइपोल, यानी कि समुद्र के पानी को सूखने के बाद जो सॉल्ट बनता है बेटा वो क्या बनता है रॉक सॉल्ट बनता है या बेड ऑफ रॉक मिलता है बेटा। कॉमन सॉल्ट इज दस ऑब्टेन्ड द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, NaCl से हमारे बहुत सारे मटेरियल बनते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस फॉर्मूला NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, लेकिन अभी क्या ले रहे हैं Na2, बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे के सारे जो डेली यूजेज में जो मटेरियल कंपाउंड यूज होते हैं ये हमारे किससे मिलते हैं NaCl से मिलते हैं। मीन इन सब का रॉ मटेरियल क्या है NaCl, रॉ मटेरियल फॉर NaOH, NaHCO3, Na2CO3 और CaOCl2, इन सब का रॉ मटेरियल कॉमन सॉल्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द एसिडिक साल्ट, कौन सा एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट कब होगा जब जब क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन यहां पर क्या नॉट फॉर्म, एसिडिक सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो मेरा जो एसिड क्या होना चाहिए इसका नाम नॉट फॉर्म लिख रहा है, तो एसिड की नेचर कैसी होनी चाहिए वीक होनी चाहिए, डज नॉट फॉर्म एसिडिक, तो इसका मतलब एसिड की नेचर क्या होनी चाहिए वीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए वीक। इन सब में से जो एसिड सबसे वीक होगा उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नहीं बनाएगा, तो देखते हैं कौन सा, फास्फोरिक एसिड H3PO4, दूसरा कार्बोनिक एसिड H2CO3, तीसरा HCl, चौथा H2SO4, ये मेरा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो एसिडिक साल्ट बनाएगा, गलत है, ये क्या है ये भी स्ट्रॉन्ग है ये क्या बनाएगा एसिडिक साल्ट बनाएगा, ये दोनों क्या है वीक है, ये दोनों क्या है वीक है। अब इन दोनों में सबसे वीक कौन सा है, ये बेचारा सबसे वीक है, कौन सा कार्बोनिक एसिड इज द वीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, बाकी सारे एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सॉल्ट, एक मोल सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये हर सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसने क्या पूछा है नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, तो जरा फॉर्मूला देखते हैं, ब्लू विट्रॉल को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट और इसमें क्या होता है 5H2O, तो इसका मतलब इसमें वाटर है, हाँ जी है, वॉशिंग सोडा क्या होता है Na2CO3, इसमें क्या होता है 10H2O, तो इसका मतलब इसमें भी वाटर है, अब तो आगे मूव करते हैं क्या आएगा आगे, तो आगे देखते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3, ओहो इसमें तो पानी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर, इसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर है 5, इसमें कितने हैं 10, इसमें है ही नहीं बेचारा, हो सकता है जिप्सम में ना हो, तो जिप्सम में क्या होता है उसमें भी कितने होते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितने होते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिप्सम में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होते हैं, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कितने होते हैं CaSO4.2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमारा आंसर क्या है इसमें बेकिंग सोडा में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, सबसे ज्यादा वॉशिंग सोडा में। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा ये तो अपना बता दोगे, अभी बहुत बारी कर लिया है, बेकिंग NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
और देखते हैं क्या नाम है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम, एक नाम आपने बता दिया क्या, बेकिंग सोडा। तो कौन सा फॉर्मूला है, ये तो पोटेशियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 38। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपके सामने, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं। ये आपका पेपर है, अगर आप इसे ध्यान से करोगे तो इट विल फिनिश विद इन 1 आवर, आधे एक घंटे के अंदर आपका आराम से खत्म हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको मैथ्स का भी सैंपल पेपर, आपको हर बारी आपके MCQ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर, इसका मतलब क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट किया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर मिले। तो ब्लीचिंग पाउडर मीन्स आपका क्या होगा, क्लोरीन गैस इज पास ओवर ए ड्राई स्लैक लाइन। जब क्लोरीन गैस कब क्या होती है, पास ओवर किसके ऊपर, पास ओवर ड्राई स्लैक लाइन। जब ड्राई स्लैक लाइन में क्या क्लोरीन गैस पास होती है तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो Cl2, क्लोरीन गैस Cl2 किसके साथ, ड्राई स्लैक लाइन मीन CaOH होल ट्वाइस, ये मेरा क्या है, ड्राई स्लैक लाइन। तो क्या बनाता है, CaOCl2 प्लस में H2O, वाटर इवोपरेट हो जाता है। तो मेरा क्या बन गया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ये कब बना, जब क्लोरीन गैस पास की किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसमें CaOH होल ट्वाइस में। अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए, और ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि हार्ड पानी में कुछ आयन्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं। इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाने के लिए हम कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉल्ट, कुछ कंपाउंड यूज करते हैं जिससे पानी की हार्डनेस कम हो जाए। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है या ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो हार्डनेस को रिमूव करता है, अरे ये तो पहला ही आंसर है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है क्या करता है, हमारा हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करता है, वॉशिंग सोडा। इसीलिए देखा होगा जब पानी हार्ड होता है, अगर हम साबुन यूज करते हैं तो साबुन से कपड़ों में क्या होता है, साबुन से झाग नहीं बनता, लेदर नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, तो झाग बनना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर क्या करता है, वो हार्डनेस ऑफ वाटर आयन्स को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो हमारा आंसर आ गया ए, वॉशिंग सोडा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा सैंपल पेपर पूरी तरह से समाप्त हो गया, जो आपको बड़ा आसान लगा होगा, आपने इंजॉय के साथ इसको समझा होगा। और इसी तरह के आपके सैंपल पेपर, इसी तरह के MCQ क्वेश्चन, इसी तरह के आपके डेली के चैप्टर के नोट्स या रिवीजन आपको हंसा ट्यूटोरियल में मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, और लाइक शेयर एंड सब तो कर ही देना। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस टू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस फ्रेंड ने, जिस बच्चे ने, फ्रेंड स्टूडेंट प्यारे बच्चों, जिन्होंने प्यारे एवरीवन, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो विद द मैथमेटिक्स सैंपल पेपर 2021 एंड 2022। थैंक्स फॉर टुडे।